चला जाएंगे। बहुत अच्छी ऑल ओवर बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली करीना है, कृति है, तब्बू है, तो मूवी एक नंबर है। सबसे मजेदार इंटरवल के बाद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इस फिल्म को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप? फुल 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 पैसा वसूल। थैंक यू। कौन सी फिल्म देख रहे हैं? क्रूज। कैसी लगी फिल्म मैम आपको? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। इस फिल्म को कितने रेटिंग देना चाहेंगे आप सभी? 4.5। और फिल्म की बात करें, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रही आप सभी के लिए? सेकंड हाफ। क्या बात है, ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छी मूवी है, एक बार आके देख के जाए सब लोग। बहुत इंजॉयमेंट मूवी है, सीखने जैसा भी है और मजा आएगा। और कृति सेनन, करीना कपूर, टप्पू लोग की एक्टिंग केमिस्ट्री कैसी लगी? एक नंबर थी, मींस अनएक्सपेक्टेड थी। थैंक यू। क्रू, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्रू देख के आया। मूवी में कुछ स्टोरी नहीं है, स्टोरी इज लाइक वेरी मच प्रिडिक्टेबल, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा दैट द एक्टिंग ऑफ द फीमेल लीड एज वेल एज सपोर्टिंग एक्टर कपिल शर्मा की और एज वेल एज दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। सो ड्यू टू दैट एक्टिंग द फिल्म वुड बी गेटिंग मोर ऑडियंसेस एंड इट इज़ अ राइट हार्टेड कॉमेडी। And it's of course better than Madgaon Express. ये भी जानना चाहेंगे, करीना कपूर और टप्पू कितनी सेरन जैसी टॉप एक्टर्स हैं इस फिल्म में, तो उनकी केमिस्ट्री एक्टिंग कैसे रही? सो द केमिस्ट्री एज वेल एज एक्टिंग इज रियली गुड। मैं बोलूँगा कि उनके एक्टिंग के वजह से ही ये मूवी परफॉर्म कर पाएगी, बिकॉज इफ सम अदर एक्टर्स वुड हैव बीन इन दिस मूवी देन इट वुड नॉट बी एज गुड। I would rate it 2.5 star because kuch story nahi hai, but I would say that because of the acting it is much better, because Madgaon Express abhi aayi thi, the acting was not good, story was not good, due to which yeah. अच्छी थी, इट वॉज नाइस, दोनों अच्छा था, फर्स्ट टू एंड इट वॉज प्रेटी गुड। इस फिल्म को कितनी रेटिंग दे रहा था? 4.5। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे कौन सी फिल्म देखकर आ रही हैं? सॉरी, थैंक यू, थैंक यू। फिल्म टू, इट वॉज अ रियली नाइस मूवी, वी इन्जॉयड अ लॉट। इनिशियली थोड़ा स्लो था स्टार्टिंग में, बट इंटरवल के बाद वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना। और करीना, तब्बू और कृति सेनन ने बहुत अच्छे से काम किया है। करीना ने बहुत टाइम के बाद कम बैक किया है, सो इट वॉज वेरी ग्रेसफुल एक्टिंग दिस टाइम, बट इट वॉज रियली नाइस मूवी। या या या, करीना कपूर एंड लाइक ऑलवेज शी इज़ लुकिंग ऑलवेज ग्लैमरस। सॉरी, इंगेजमेंट मीन्स हाँ, इंटरवल के बाद ज़्यादा कनेक्टिंग लगी मूवी। मैं ऑडियंस को देखना चाहिए, इट्स टोटली वर्थ इट, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी, इट्स रियली फन एंड इट्स रियली नाइस मूवी। ओके, सो यू वांट मी टू होल्ड ऑल ऑफ दिस? ओके, या काफ़ी अच्छी लगी, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई थॉट इट इज़ वर्थ अ वॉच। करीना कपूर, तब्बू एंड कृति सेनन की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? आई थिंक फैबुलस, यू नो, गुड फ्रेंडशिप, गुड केमिस्ट्री। सेकेंड हाफ ऑब्वियसली 4.5, अ मस्ट वॉच, अ गुड एंटरटेनर। नाइस नाइस मूवी जी। बहुत अच्छा, ग्लैमर भी और केमिस्ट्री भी। इंगेजिंग, तीनों ही इंगेजिंग थे, नो डाउट। हाँ, तो वो केमिस्ट्री थी, तीनों में ही केमिस्ट्री थी। सबसे ज़्यादा अच्छा आई गेस कॉमेडी बोलूँगी मैं। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। ट्रू 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 ट्रू। हाँ जी, मैं आउट ऑफ 10 7 एंड आउट ऑफ 5 स्टार में 3.5। थैंक यू। गो वॉच द मूवी। थैंक यू। जानना चाहेंगे क्रूज फिल्म कैसी लगी आपको? ओके ओके,
बहुत स्लो थी मूवी जो मैं सोच के आई थी. कॉमेडी वॉज ओके ओके, आई मीन टू बी वेरी फ्रेंक. वो तो बहुत अच्छा है, उन लोग की ट्यूनिंग, उन लोग का जो फ्रेंडशिप दिखाया बहुत अच्छा. आई लव दैट थिंग इन बिटवीन दैम जो थी केमिस्ट्री, फ्रेंडशिप केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी. सिर्फ आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द स्टोरी जो मैं सोच रही थी वैसा, और इवन कॉमेडी, बिकॉज इट वॉज पुट अप एज अ कॉमेडी मूवी, बट कॉमेडी थोड़ा सा मुझे लैग बिहाइंड लगा. ओवरऑल फिल्म की बात करें, एयर होस्टर या कहानी दिखाई है, तो क्या लगता है रियल में भी ऐसे होते होगा? ऑब्वियसली अभी अपने पास जो नाम दिया गया था जो मेन, आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच द मूवी, तो इट वॉज स्टोरी, वो जो नाम है इट वॉज लाइक कनेक्टिंग, तो मैं समझ गई कि उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत होगा. तो स्टोरी वॉज समथिंग न्यू, एयरलाइन के ऊपर इतनी मैंने स्टोरीज नहीं देखी, इट वॉज समथिंग न्यू. उन लोग कुछ नया दिखाना चाहते थे, इट वॉज दैट वॉज वेरी नाइस. उन्हीं कॉमेडी जो कॉमेडी, हाँ वो रिमिक्स जो किया है तो वो तो अच्छा ही लग रहा था सुनने के लिए, और तीनों उसके ऊपर डांस वांस जो दिखा है वो बहुत अच्छा लगा. थ्री या वन टाइम वॉच है, आओ एंजॉय करो. एंड प्लस आई वुड लाइक टू से द आउटफिट्स जो लोग फैशन जो दिखा रहे थे वो बहुत अच्छा था, तीनों ने बहुत अच्छी से कैरी आउट किया, वो बहुत अच्छा लग रहा था वो जो आउटफिट्स पहन रहे थे. दिल को थामने क्रू गला रही है, एरोप्लेन की पिक्चर आ रही है अभी बहुत टाइम से. क्या बात है, और फिल्म की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा आपको? इंटरेस्टिंग में जो सोना वो लोग जो लेके जा रहे हैं स्मगलिंग, वही वापस लेके आ रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग है. ज्यादा करके ऐसा वापस आता नहीं, इमेजिनरी है, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट है, इसके लिए अच्छा लगा. और फिल्म की बात करें तो ग्लैमर, ग्लैमर है, एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, डबल डबल मीनिंग डायलॉग डायलॉग है, सब कुछ है. कपिल शर्मा का मामूली रोल है, और हीरोइन जो ये आई है ना जो दो कमबैक हुई है, उनको अब चेहरे पे थोड़ा बुढ़ापा नजर आता है, भले मेकअप करे जो भी करे, एज फैक्टर तो नजर आएगा ना, लेकिन फिर भी स्मार्ट और बताए हैं, और बहुत अच्छी तरह से फिल्मांकन हुआ है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, मजा आएगा ऐसा. और फिल्म की बात करें तो कितने स्टार देना चाहिए? 5 में से 4. ऑडियंस को क्या मैसेज देना? बहुत आराम, एंटरटेनमेंट है, छुट्टी है, गुड फ्राइडे, सैटरडे, संडे है, एंजॉय करने लायक है, अच्छी मूवी है, देखने लायक है. क्रू फिल्म मुझे बहुत ही एंटरटेनिंग लगी, बहुत ही इंजॉयबल लगी, और ये मूवी में मुझे सबसे अच्छी बात ये मूवी की लगी करीना कपूर खान. आई थिंक मैं बबीता जी को बोलना चाहूँगा कि अगले जन्म में उनको मेरी बेटी बन के, मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी बन के पैदा हों, और सैफ अली खान रिश्ता लेके आएँ और मैं उन्हें घर जमाई बना लूँ, क्योंकि ऐसी बेटी को, शी इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ब्यूटी, ग्रेस, एलिगेंस एंड कैंडोर. मतलब उनका जो यू नो बात करने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, डांस करने का, मतलब वो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस टब्बू थी साहब ने, जो इतनी वर्सेटाइल है, और कृति सेनन जो आज की सुपरस्टार है, इतनी गॉर्जियस एक्ट्रेस है, उन्होंने दोनों को ओवरशैडो कर दिया. और पूरी मूवी में करीना कपूर चाहे वो चोली के पीछे गाना हो या गली शहर मेरे मारो घाघरो जो घूमे इलारू, उनका आइकॉनिक नंबर हो. फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही नोटवर्दी है बाय अनुज धवन. फिल्म की एडिटिंग बिल्कुल शार्प है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया, तो मनन सागर इसके एडिटर हैं. डायरेक्शन बहुत अच्छा है राजेश कृष्णन का. और मूवी कब खत्म होगी, कब शुरू होगी, कब खत्म होगी आपको पता नहीं चलेगा. म्यूजिक बहुत अच्छा है, तो इट्स वेरी एंटरटेनिंग मूवी. फर्स्ट हाफ तो बहुत ही एंजॉयबल था, सेकेंड हाफ में भी बहुत कुछ ट्विस्ट और टर्न्स थे, तो मज़ा आएगा आपको जैसे जैसे मिस्ट्री अनरेवल होगी. आई गिव 3.5 स्टार्स. मुझे लगता है कि आइकॉनिक नंबर्स को तो आपने रीमिक्स किया है, और नंबर्स हो सकते थे. और दिलजीत दोसांझ जैसे टैलेंटेड एक्टर को मुझे लगता है कि उन्होंने वेस्ट किया है, उनको और रोल मिलना चाहिए था. बट ओवरऑल मूवी इज़ अ मस्ट वॉच. गुड फ्राइडे का मौका है, इतने लोग आए हैं मूवी देखने के लिए, आप भी आइए और करीना कपूर खान को देखने के लिए आइए. आज अगर मैं उन्हें अडॉप्ट कर सकता तो मैं उन्हें अडॉप्ट कर लेता. वो इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं कि मुझे बबीता जी से आज जलन हो रही है. आई एम फीलिंग जेलस ऑफ बबीता जी. थैंक यू.